आज के समय के अगर मूलगुण देखें तो हमें लगता है कि आज के समय के मूलगुण थोड़ा सा और बदलने चाहिए, और आज के समय के मूलगुणों में परिवर्तन और अलग होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? क्योंकि इस विषय में आचार्यों ने समय के अनुसार इसमें केवल बदलाव किया है ना? और जिसमें बदलाव होता आया है तो उसमें बदलाव हो सकता है। आगे जो प्रतिमाएं हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो भीति है, एक आधारशिला पहले रखी गई है 8 मूलगुणों की, इसमें तरह तरह के अभिप्राय, क्योंकि जिस समय जैसा प्रचलन हो उस समय पर उस श्रावक को धर्म में लगाने के लिए वैसे ही मूलगुण प्रस्तुत करने होते हैं। सुन रहे हो? कुछ बताऊं आपको? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की बात कर रहा था। उस ग्रंथ पर भी एक संस्कृत में मैंने टीका लिखी है। टीका माने होती व्याख्या। संस्कृत में उसकी सभी श्लोकों की व्याख्या लिखी है। मंगला टीका उसका नाम है, और मंगला टीका के नाम से वो व्याख्या जो है आप लोगों को उपलब्ध है, प्रकाशित है। उस ग्रंथ पर एक बार गोष्ठी हुई, एक जबलपुर के पास में घनसौर जगह है, वहां पर जो है एक गोष्ठी हुई इसी ग्रंथ के ऊपर जो ये टीका लिखी गई, मंगला टीका। तो उसमें बहुत सारे विद्वान आए, और विद्वानों ने उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और उसकी मंगला टीका के विषय में बहुत सारे अपने आलेख प्रस्तुत किए। उनमें पंडित रतन चंद जी बैनाडा भी थे, है ना, और एक और अच्छे विद्वान थे, उनका भी है ना निधन हो चुका है, पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया, राजस्थान के थे ये, और ये डॉक्टर सुरेंद्र भारती वगैरह, ये सभी लोग थे। और इन्होंने जो है ये वो गोष्ठी में अनेक तरह के आलेखों का वाचन किया। तो उस समय पर जब ये मूल गुणों की बात आई तो मैंने उस समय पर एक चिंतन दिया था। समझ आ रहा है? ये बात है 2011 की है? तब उस समय पर हमने कहा, देखो आज के समय के ये मूलगुण, विद्वानों के सामने कहा ये 8 मूलगुण अलग तरह के होने चाहिए हैं। उनके नाम आपको बताए देता हूं, सुन रहे हो? और वो पांचों नाम जैसे ये मापे हैं ना, मध्य, मांस, मधु, है ना, ऐसे आठों नाम मापे रखने की कोशिश की, ये M8 है? इन पांच की जगह 8 इन मकारों का अगर त्याग किया जाए तो आदमी के लिए आज इन 8 मूल गुणों के पालन से उसके अंदर धर्म की भावना आए, है ना? तो 3 तो यही है, मद्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु का त्याग, ठीक है ना? फिर एक चौथा मार्केट वाटर। समझ आ रहा है? मतलब कि जिसे आप लोग मिनरल वाटर कहते हो, कोल्ड ड्रिंक्स कहते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हो, ये सब जो आज बहुतायत में पानी पिया जा रहा है ये सबसे बड़ा पाप का काम है। समझ आ रहा है? इसका त्याग होना चाहिए। आज के समय का ये मूल गुण है ना? क्या सुन रहे हो? हाँ। और इसके साथ साथ जो आदमी अनेक तरह के गुटखा, पाउच, ये सब सिगरेट और नशा करता है, इसके लिए एक बहुत प्रचलन में आने वाला नाम है माणिक चंद। समझ आ रहा है ना? हाँ, माणिक चंद का कंपनी अभी भी चल रही है ना? मतलब कि एक नाम लेने में उसको उपलक्षण समझ लो, उसमें सभी गर्वित हो गए। जितने भी तरीके के पाउच हैं, गुटके हैं, वो सब M फॉर माणिक चंद। समझ आ रहा है ना? एक इसका त्याग होना चाहिए। समझ आया? फिर इसके बाद में आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा शौक लग रहे हैं मूवी देखने के, है ना? और मूवियों में भी जो गलत मूवियां होती हैं, गलत जो ऐसी एक्शन फिल्में होती हैं जिनके माध्यम से बच्चों में तरह तरह के उत्साह और तरह तरह के जो है एडवेंचर दिखाने के भाव आते हैं, ये सब भी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, है ना? ऐसे मूवी, ऐसे सीरियल जैसे कि ये PUBG वगैरह चलते हैं, ऐसे गेम, ये सब M फॉर मूवी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर इनसे हम बचेंगे तो हम बहुत कुछ अपने आप को बचा करके रखेंगे। समझ आ रहा है? अब ये PUBG है, मूवी है, इनमें इतना ज़्यादा बच्चे इंडल्स हैं कि एक अभी कोई केस बता रहा था, एक बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती था, सुन रहे हो? यहीं का केस है।
हॉस्पिटल में भर्ती था, बीमार था, बुखार आ रहा था, रात में पबजी खेल रहा हूं। उसके पापा ने उससे मना किया, बेटा सो जा, ये मत खेल, बीमार है, इस तरीके के खेल अच्छे नहीं। तो उसके पापा ने उसको मना करके उससे कह दिया कि इस तरीके का खेल मत खेल, और वो थोड़ी देर बहाना बना के सो गया। उसने देखा जब पापा सो गए तो वो उठ बैठा, और उठ करके बीमार अवस्था में भी बाथरूम पे चला गया, और बाथरूम की खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। समझ आ रहा है? तीसरी मंजिल से उतर करके दूसरी मंजिल पे आ गया, और इस तरह से खेल खेलने के लिए वह नीचे जाने की कोशिश में दूसरी मंजिल पे आकर के फिसल गया, और फिसला तो उसके लिए वहां पर फ्रैक्चर हो गया, उसके हाथ पैरों में चोट आ गई। किस कारण से? उसे पबजी खेलने का इतना शौक है कि रात में भी वो खिड़की से उतर करके नीचे जा रहा है, और ये साहस कहां से आ रहा है? तो वही जो वो देख रहा है उसी के माध्यम से वो साहस आ रहा है उसके अंदर। तो ऐसे ये जो साहस पैदा हो रहे हैं, ये सब इन गलत मूवियों के माध्यम से, ये गलत जो गेम है इनके माध्यम से हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एम फॉर मूवी। समझ आ रहा है? इसमें सब चीजें आ जाएंगी जो बच्चों को बिगाड़ रही हैं। क्या आ रहा है समझ में? है ना? और फिर बड़ों के लिए एक और है, मनी का सट्टा। समझ आ रहा है? मतलब आज के समय पर जैसे हम जुआ कहते हैं, वो जुआ कहने का मतलब बड़े बड़े सट्टे व्यापार, जिसके माध्यम से लोग अपना व्यापार चला रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घरों में बैठे बैठे ही सट्टे के खेल खेल रहे हैं। बड़े बड़े क्रिकेटों के गेम होते हैं, उनमें भी बड़े बड़े सट्टे लगते हैं, और सब इन्हीं खेलों से सबके व्यापार चल रहे हैं, और अनेक तरह के वायदा व्यापार इत्यादि, इनके माध्यम से जो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। ये भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं और हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये आठ हो गए कि नहीं? हैं? सात हुए? ये कौन सा छूट गया? है ना? हाँ, मतलब कि मध्य, मांस, है ना, मधु का त्याग, और एक तो पॉजिटिव बता रहा हूं, है ना, बाकी ये सब नेगेटिव है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक पॉजिटिव है, मंदिर जाना। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये आठ जो है मूल गुण है। अगर आज के बच्चे इन आठ मूल गुणों का पालन करें, आज के बड़े लोग भी इन आठ मूल गुणों का पालन करें, तो इनके अंदर कुछ धर्म आ सकता है।